वेलकम डियर स्टूडेंट आई एम रविंद्र कुमार सो जी ऐसी टेक्निकल यूट्यूब में आपका स्वागत है इन दिस लेक्चर वी हैव स्टडी द फॉर द लास्ट क्लास वी हैव स्टडी सेकेंड लाफ थर्मोडाइनमिक्स देन फर्दर प्रोड्यूसिंग प्रोसेसिंग दैट न्यू टॉपिक इज इंट्रॉपी इन दिस टॉपिक द इंट्रॉपी वी हैव डिस्कस फर्स्ट द क्लासियस थियरम ठीक है लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था क्लासियस थियरम क्या था so in Clausius theorem if you talk about a cyclic process dq by dt less than or equal to 0 okay dq by dt is equal to 0 means it is reversible cyclic process okay? the cycle is reversible and dq by dt is equal to less than 0 it means this cycle is irreversible if you talk about this cycle if dq by dt is greater than 0 so it is impossible the statement said by the clausius theorem ओके द नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा वॉट इज द इंट्रोपी इंट्रोपी इज बेसिकली डिग्री ऑफ मालिकुलर डिसऑर्डरनेस ठीक है डिग्री ऑफ ठीक है मालिकुलर डिसऑर्डरनेस आप जैसे कोई बॉडी है उस बॉडी के मालिकुलर में कितने डिसऑर्डरनेस हो रहा है उसके कारण उसमें कितने इरिवर्सिबल प्रोसेस हो रहे हैं उसी का बोल बोलते हैं हम लोग क्या इंट्रॉपी तो आपसे क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंट्रॉपी क्या आपका प्रॉपर्टी है आप क्या बोलोगे प्रॉपर्टी है इंट्रॉपी आपका क्या है प्रॉपर्टी है ठीक है इंट्रापिक आपका पॉइंट फंक्शन है क्या आपका पॉइंट फंक्शन है. है और इंट्रॉपी क्या है आपका पॉइंट फंक्शन एग्जैक्ट डिफरेंशियल है और इंट्रॉपिक आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है तो ये सब हमको नॉलेज मिल रहे हैं किससे इंट्रॉपी से ये सब हम पॉइंट में याद होनी चाहिए इंट्रॉपी से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इंट्रॉपी से इंट्रॉपिक प्रॉपर्टी है या एग्जेक्ट या पॉइंट फंक्शन है तो आप बोलोगे पॉइंट फंक्शन है और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्यों क्योंकि इंट्रॉपी मास पर डिपेंड करता है क्यों क्योंकि इंट्रॉपी मास पर डिपेंड करता है तो यह क्या हो गया एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया ओके okay? अगर मैं बोलूँ स्पेसिफिक इंट्रॉपी स्पेसिफिक इंट्रॉपिक क्या होता है तो बोलोगे इंटेंसिव प्रॉपर्टी है क्यों इंडिपेंडेंट ऑफ मास हम मास से डिवाइड कर रहे हैं तो स्पेसिफिक में कन्वर्ट हो जा रहा है तो जितने भी स्पेसिफिक होंगे हमारे इंटेंसिव प्रॉपर्टी आते हैं अगर मैं सिर्फ बात कर दूंगा इंट्रॉपी की तो वहाँ पे क्या आ जाएंगे आपको क्या आ जाएंगे आपको एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आ जाएंगे क्या हो जाएंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी तो आपको याद रखना पड़ेगा ये पॉइंट फंक्शन है ठीक है और एक प्रॉपर्टी भी है क्या एक प्रॉपर्टी भी है तो इन चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ उसके आगे मैं बात करता हूँ मैंने अभी तक ये डिस्कस किया था अगर मैं आगे बात करता हूँ तो अगर मैं इन को देखता हूँ तो इंट्रॉपी को बेसिकली हम लोग जनरेट कैसे करते थे इन को इंट्रॉपी को बेसिकली हम लोग एस से डिनोट करते थे ठीक है इंट्रॉपी को बेसिकली हम लोग किस में करते हैं एस से अब बात करते हैं डेल एस अगर मैं बात करूँ चेंज इन इंट्रॉपी की बात कर रहा हूँ चेंज इन इंट्रॉपी की बात कर रहा हूँ तो ये प्रोसेस है आपका डी क्यू बाई डी टी डी क्यू बाई टी ठीक है ये हो गई हमारी चेंज इन इंट्रॉपी अगर मैं डेल एस बाई डेल डेल एस बाई इक्वल टू डी डेल क्यू बाई टी की बात करता हूँ तो ये प्रोसेस आपका होगा रिवर्सिबल क्या होगा रिवर्सिबल ये किसके लिए जाएगा रिवर्सिबल के लिए यह हो जाएगा आपका बेटा रिवर्सिबल के लिए रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए किसके लिए आ जाएगा रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हो जाएगा तो ये आपका हो जाएगा रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हो जाएगा कितना डी डेल एस बाई डेल इक्वल टू डेल क्यू बाई टी अगर मैं बात करूंगा तो रिवर्सिबल के लिए हो जाएगा अगर मैं बात करूं इसके सेकेंड पार्ट का तो इसके सेकेंड पार्ट की बात करता हूं। अगर ये वैल्यू ये वैल्यू डेल क्यू बाई डेल टी से ग्रेटर है इसका मतलब ये किसका हो जाएगा ये हो जाएगा इ के लिए क्या हो जाएगा इ प्रोसेस इ रिवर्सिबल प्रोसेस ठीक है तो आप क्या करोगे कभी कभी क्वेश्चन में डेटा दिया होगा कभी कभी क्वेश्चन में डेटा दिया होगा उस डेटा में दिया होगा तो आप वहाँ से चेंज इन निकालो। इन निकालोगे तो, चेंज इन इन निकालोगे तो चेंज इन ट्रॉफी निकालोगे तो उस केस में उस केस में उस केस में आप देखोगे उस केस में क्या होगा अगर वैल्यू आपके डेल एस और डेल क्यू ये सब वैल्यू ग्रेटर आ रही है इसमें आ रही है तो आप प्रोसेस बता लोगे कौन सा प्रोसेस है ठीक है थीके? तो कौन सा प्रोसेस है आप उसको बता सकते हो आप कौन सा प्रोसेस है आप उसको बता सकते हो कि यह रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है अगर ठीक है ये प्रोसेस रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं अगर मैं इसको बैलेंस करूं, इसको मैं बैलेंस करूं, तो अब मैं बोलूंगा डेल एस इक्वल टू डेल क्यू बाई टी डेल बाई के टी प्लस मान लिया एक डेल जनरेशन में ना लेता हूँ जैसे बोलते हैं इंट्रॉपी जनरेशन मान लिया मैंने इंट्रॉपी जनरेशन मैंने एक ऐड हो गया ठीक है अरे ये वैल्यू ज़्यादा थी इसको बैलेंस करने के लिए कुछ इसमें ऐड करना पड़ेगा तो मैंने ऐड क्या किया आपका ये वैल्यू ऐड कर दिया तो ये इंट्रॉपी जनरेशन को ऐड किया तो आपका क्या बराबर हो गई तो ये आपका हो गया इंट्रापी जनरेशन क्या होगा आपका इंट्रापी जनरेशन ये बेसिकली क्या है आपका कुछ लोग तो कुछ अलग सोच रहे होंगे बेटा ये है आपका यस ये हो गया आपका एश इंट्रॉपी जनरेशन ठीक है तो डेलक्यू बाई बाय टी प्लस आपको ये ऐड किया तभी क्या होगा इसके बराबर हो जाएगा तो आपने क्या किया है इंट्रॉपी जनरेशन को ऐड यहां पे किया है तो आपका इस टर्म को बोलते हैं इंट्रॉपी जनरेशन तो अगर मैं बोलू अगर मैं बोलूँ इसको डिनोट कर रहा हूँ ओके इसका मतलब ये हो गया आपका एंट्रोपी जनरेशन इंट्रॉपी जनरेशन भैया अगर मैं बात करता हूँ कोई भी प्रोसेस है कोई भी प्रोसेस है मान लिया जाए एक रूम है एक रूम है इस रूम में इस रूम में सपोज इस रूम में इस रूम में कुछ बोतलें रखी पड़ी हैं इस रूम में कुछ बोतलें रखी पड़ी हैं ठीक है थीके? अब क्या कर रहे हो यहाँ से कोई बिल्ली या चूहा अगर यहाँ पे पहुँचना चाहता है तो इन सब बोतलों रखी पड़ी है अब इस सिस्टम में एक सिस्टम है अब क्या करेगा अगर बिल्ली आपका क्या यहाँ से आप निकलना चाह रही हो तो कुछ ना कुछ आपके शीशे वगैरह तो क्या होगी यहाँ पे टूटेंगे या आप किसी पास से अगर आपकी कैट अगर मूव कर रही है इसका मतलब उस पार्ट पर उस पार्ट पर कहीं ना कहीं ऐसे बोतलें डैमेज होंगे कहीं ना कहीं तो बोतल डैमेज होंगे कहीं कहीं ना बोतल डैमेज हो होगा जो बोतल डैमेज हो रहे हैं तो आपका जो इंट्रॉपी था ये पूरा उसमें से कुछ जनरेट हो रहे हैं ना किसी इरिवर्सिबिलिटी हो रही है इस पर कुछ इरिवर्सिबल हो रहे हैं ना इस पर उस रि रिवर्सिबल को उसे बोलते हैं जनरेशन उसमें कोई आंट्रॉपी जनरेट हुई है ठीक है इंट्रॉपी जनरेट हुई है तो इसे बोलते हैं इंट्रॉपी जनरेशन तो इंट्रॉपी जनरेशन जो है हमारा कोई प्रॉपर्टी नहीं है ठीक है इंट्रॉपी जनरेशन इज नॉट प्रॉपर्टी ठीक है तो ये प्रॉपर्टी क्या होगा प्रॉपर्टी नहीं है ठीक है तो ये नॉट प्रॉपर्टी है कि ये प्रॉपर्टी नहीं है ओके तो अगर मैं प्रॉपर्टी नहीं है तो ये किस पे फॉलो कर रहा है पाथ पे फॉलो कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा पाथ फंक्शन क्या हो जाएगा पाथ फंक्शन ठीक है इन एग्जेक्ट डिफरेंशियल ठीक है क्या हो जाएगा इन एग्जेक्ट तो ये चीजें हमें पता होना चाहिए कि इंट्रॉपी जनरेशन इंट्रॉपी जनरेशन ठीक है इंट्रॉपी जनरेशन की बात कर रहा हूं यहां पर देख लो फिर से मैं लिख रहा हूं इंट्रॉपी जनरेशन की बात कर रहा हूं इंट्रॉपी जनरेशन की बात कर रहा हूं तो इंट्रॉपी जनरेशन बेसिकली क्या है इ रिवर्सिबल प्रोसेस है क्या है इ रिवर्सिबल दूसरी बात मैं समझता हूं ठीक है एट ऑलवेज इट ऑलवेज पॉजिटिव इट आलवेज पॉजिटिव ठीक है इट ऑलवेज पॉजिटिव और अगर मैं बोलूँ क्या ये पॉइंट फंक्शन है नहीं तो नॉट अ प्रॉपर्टी तो क्या प्रॉपर्टी है ये नहीं है प्रॉपर्टी नहीं है तो ये क्या हो गया पॉइंट फंक्शन के पाथ फंक्शन है आप बोलोगे पाथ पे डिपेंड कर रहा है तो पाथ फंक्शन हो गया ये ठीक है इन जनरेशन एक पाथ फंक्शन हो गया क्या ये एक एग्जेक्ट डिफरेंशियल है क्या ये एग्जेक्ट डिफरेंशियल है नहीं तो आप क्या बोलो इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल ओके इन एग्जैक्ट डिफ्रेंशियल है ये तो ये सब चीजें हमें पता होना चाहिए क्या होना चाहिए पता होना चाहिए इंट्रॉपी जनरेशन के बारे में ठीक है इंट्रॉपी जनरेशन अगर मैं बात करता हूँ इंट्रॉपी जनरेशन तो हमेशा ये इिवर्सिबल प्रोसेस है और पॉजिटिव वैल्यू ही होगा ठीक है ऑलवेज पॉजिटिव होगा कोई इसमें क्या रिड्यूस नहीं होगा आप कुछ भी प्रोसेस करोगे इसमें क्या इरिवर्सिबिलिटी तो बढ़ेगी ना उसमें अगर आप इस रूम में एक जगह से दूसरी जगह बोतलों पे जा रहे हो तो बोतल ना कहीं नहीं कहीं आस में क्या टच हो या क्या करेगा वो रेंडमनेस आपका इंक्रीज होगा वहाँ पर तो उस कारण क्या होगा आपका एक ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू देगा तो एक ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू है ठीक है प्रॉपर्टी नहीं है ये देखना है आपका नॉट ए प्रॉपर्टी ठीक है नॉट ए प्रॉपर्टी पाथ फंक्शन हो जाएगा और इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल हो जाएगा अगर मैं बात करूँ आगे अगर मैं देखा जाए और आगे की बात करता हूँ तो इंट्रॉपी जनरेशन जो है आपका इंट्रॉपी जनरेशन जो होगा अगर मैं बात करूंगा जो डेल्टा यस की बात करता हूं अगर मैं यूनिवर्स की बात करता हूं किसकी बात करता हूं यूनिवर्स की बात करता हूं अगर मैं यूनिवर्स की बात करता हूं यूनिवर्स की बात करता हूं या मैं कह लूं कुछ इंट्रॉपी जनरेशन की बात हो रही है हमारी ठीक है या मैं कह लूं क्या कर सकता हूँ अगर मान लो एक सिस्टम ले रहा हूँ आइसोलेट सिस्टम क्या ले रहा हूँ आइसोलेट सिस्टम की बात कर रहा हूँ तो उस केस में आइसोलेट की बात कर रहा हूँ तो उस केस में अगर मैं अगर मेरी बॉडी सपोज ये बॉडी है क्या ये एक बॉडी है जो सिस्टम है ये क्या एक सिस्टम है एक सिस्टम है और ये क्या आपका सराउंडिंग है ठीक है अगर मैं ही खड़ा हूं सपोज मैं खड़ा हूं, हूं यहां पर तो मैं एक खड़ा हूं तो मैं क्या होंगे एक सिस्टम हो गया हूं और मेरे आसपास जितने भी कॉन्टेक्ट में है वो क्या एक सराउंडिंग है क्या है वो सराउंडिंग है तो मैंने ये देखा कि जो मैं एक सिस्टम हूँ और मेरे सराउंडिंग है और यही दोनों का कम्बिनेशन बन के बना गया है इन जनरेशन या यूनिवर्स चेंज इन इन इसका मतलब ये हो गया इसका मतलब ये हो गया कि जो चेंज इन सिस्टम इन आपका मैं बोलूं इन सिस्टम की बात कर रहा हूँ प्लस प्लस सिस्टम की बात कर रहा हूँ चेंज इन ट्रॉपी बात कर रहा हूँ सराउंडिंग की किसकी बात कर रहा हूँ सराउंडिंग की बात कर रहा हूँ ठीक है इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमारा क्या कहलाएगा क्या कहलाएगा चेंज इन ट्रॉपी यूनिवर्स ठीक है चेंज इन इंट्रॉपी इन यूनिवर्स तो ये आपका फॉर्मूला याद होना चाहिए आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है अगर इंट्रॉपी आप यूनिवर्स का पूछा जाएगा तो आप कहोगे सिस्टम प्लस सराउंडिंग जो समेशन आप सिस्टम प्लस सराउंडिंग अगर इसमें सिस्टम में कितनी इंट्रॉपिक चेंज हो रही है और सराउंडिंग में कितनी चेंज हो रही है इन दोनों का सम निकालेंगे तो हमारे यूनिवर्स की वैल्यू पता चल जाएगी या आपसे डायरेक्टली इंट्रॉपिक जनरेशन पूछा जाएगा इसका मतलब आपका चेंजिंग यूनिवर्स ही पूछा जा रहा है और इन दोनों में क्या निकालेंगे इन दोनों में क्या निकाल लेंगे दोनों को समेशन को ऐड कर लेंगे तो वो हो जाएगा इंट्रॉपिक जनरेशन पूरे पूरे पार्ट की बात कर रहे हैं इंट्रटिक जनरेशन एक पार्ट की नहीं दे रहे हैं हम पूरे क्या कर रहे हैं

यूनिवर्स को क्या होता है एक्सचेंज इंट्रॉपी बेटा यूनिवर्स की इंट्रॉपी की बात करते हैं हम लोग यूनिवर्स की इंट्रॉपी की बात करें तो आप देखोगे यूनिवर्स की इंट्राफी की बात करेंगे तो वो या तो क्या होगा या तो क्या होगा अगर मैं बात करूंगा अगर मैं बात करूं इस यूनिवर्स की यूनिवर्स की बात करता हूं मैं ठीक है इसकी इंट्रॉपी या तो क्या होगी जीरो या ग्रेटर होगी ठीक है जीरो या ग्रेटर होगी तो क्या होगी जीरो या ग्रेटर पर कभी भी निगेटिव नहीं होगी क्या नहीं होगी कभी भी निगेटिव नहीं होगी ठीक है क्या होगी कभी भी निगेटिव कभी भी कभी भी निगेटिव नहीं होगा तो होगा क्या या तो यूनिवर्स का इंट्रॉपिक कांस्टेंट हो सकता है या तो इंक्रीज होगा या तो यूनिवर्स की इन ट्रॉपिक कॉन्स्टेंट रह सकता है या तो इन क्या होगा इंक्रीज होगा तो यहां से देखो अगर मैं बोलूं डेल्टा एस यूनिवर्स ठीक है इक्वल टू जीरो इसका मतलब क्या हो जाएगा इंट्रॉपी इन क्या हो जाएगी यूनिवर्स की इन क्या हो जाएगी यूनिवर्स की इंट्रॉपी क्या हो जाएगी वो कॉन्स्टेंट oh, हो जाएगी अरे डेल्टा एस इक्वल टू जीरो तो एस यूनिवर्स इज्क्ल टू कॉन्स्टेंट एस इजल इक्वल टू कॉन्स्टेंट अगर मैं बोलूं डेल्टा एस की वैल्यू ग्रेटर ज़ीरो है या यूनिवर्स की बात कर रहा हूं तो ठीक है तो या तो कांस्टेंट होगी इन ट्रॉपी यूनिवर्स की या तो हमेशा पॉजिटिव होगी पर निगेटिव कभी नहीं हो सकती है यूनिवर्स की ठीक है निगेटिव कभी नहीं हो सकता है यूनिवर्स का तो आपको ये पता होना चाहिए ठीक है चेंज इन ट्रॉपी ऑफ यूनिवर्स नेवर नेवर बी निगेटिव ठीक है इट इट इज always constant or ग्रेटर देन जीरो ठीक है तो ये हमको चीज़ें पता होना चाहिए आप आसानी से क्या करोगे वन बाई वन निकाल सकते हैं ऐसा कुछ इसमें नहीं है आपको ऐसा क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे गए हैं पूछे गए हैं इसलिए मैंने क्या एक बार आपको डिस्कस कर रहा हूँ कि आप भी इससे आप क्या करोगे आप क्वेश्चन जितने भी आएंगे आप उससे क्या करोगे गलत नहीं करोगे गलत नहीं करोगे तो यूनिवर्स की ट्रॉफी हमेशा क्या होती है या तो कॉन्स्टेंट हो सकती है या उससे या उससे ज़्यादा यानी पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है तो ये हमें चीज़ें पता होना चाहिए अगर मैं आगे मैं बात करता हूँ सपोज 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 अगर मैं बात करता हूँ dq क्यू बाई डी टी इचक्ल टू डी एस यही तो इंटरव्यू लिया था मैंने dq क्यू बाई डी टी इचक्ल टू डी एस तो इस समय मैं क्या ले सकता हूँ dq क्यू इजक्ल टू डी क्यू इचक्ल टू टी डी एस यही तो लिख सकता हूँ डी क्यू इचल टू टी इन टू डी एस तो ये चीज़ें हमें पता है कहाँ से आपको इंट्रॉपिक क्या फॉर्मूला पढ़ा था हमने डायरेक्ट है आपने डी क्यू बाई डी टी एस आपने पढ़ा था एक रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए है ये ठीक है रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए है तो आपने क्या किया था डी क्यू बाई इच्वल टू टी डी एस ओके अगर अगर मैं यहाँ पे दो इक्वेशन देख रहा हूँ यहाँ पर अगर मैं बात करता हूं सपोज एक मैं लेता हूं u प्लस पी डी वी ओके अगर मैं फर्स्ट लास्ट देखूं तो जो है हीट होगा क्यूशअल टू यू प्लस यू इंटू पी डी वी तो u आपका क्या था इंटरनल एनर्जी था ठीक है एट ए कॉन्स्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहा हूं एट ए कॉन्स्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहा हूं तो यहां से देखो अगर मैं बोलूँ डी क्यू इजल टू डी यू प्लस पी डी वी डी क्यू टू डी यू प्लस पी डी वी तो डी क्यू मैंने यहाँ से देखो यहाँ से मैं रखता हूँ यहाँ पर तो ये हो जाएगा टी डॉट डी एस टू भैया अगर मैं बोलूँ कांस्टेंट वॉल्यूम पे चेंज इन इंटरनल इंटरनल एनर्जी क्या थी एम सी बी डी टी अरे यही तो थी अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे देख रहा हूँ तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी आपका क्या थी यही तो थी तो अगर मैं बात करता हूं, टी डी एस टू एम सी बी डी टी प्लस पी डॉट डी वी ओके क्या कर रहा हूं? ये लिख सकता हूं, या तो इसको ऐसे ही लिख लो उसके फॉर्म में लिख सकते हो कभी कभी क्वेश्चन दोनों तरफ से जाता है या तो आपको दे दिया जाएगा डी यू प्लस पी डी वी तो ये आपसे पूछा जा सकता है ठीक है तो TDS इक्वल टू डीयू प्लस पीडीवी फर्स्ट TDS इक्वेशन ओके फर्स्ट TDS इक्वेशन आपसे यहां से निकाल सकते हैं तो इसमें कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था आपने क्या किया फर्स्ट वाला फॉर्मूला लिखा उसके बाद ठीक है क्या लिखा आपने आपने क्या किया डी की जगह टी रख दिया आप वैल्यू आ गई सेम अगर मैं कॉन्स्टेंट प्रेशर के लिए निकालू कॉन्स्टेंट प्रेशर के लिए निकालूं, तो आपको पता होगा आपको पता होगा आपको क्या पता होगा कॉन्स्टेंट प्रेशर के लिए निकालता हूँ टी डी इक्वेशन तो आपको पता होगा डी क्यू इजक्वल टू कॉन्स्टेंट प्रेशर के लिए क्या था जी प्रेशर कॉन्स्टेंट था इसका मतलब क्या था यहाँ पर डी एच डी एच माइनस बी डी पी ये हम लोगों ने निकाला था किस में इसमें निकाला था फर्स्ट ला में निकाला था तो यहाँ पे रख दूँ मैं टी डी एस इज्कल टू डी एच माइनस वी डी पी तो एक टी डी एस इक्वेशन ये आ गई ठीक है तो ये हो गई सेकेंड टी डी एस इक्वेशन टी डी एस इक्वेसन ठीक है किसके पे है कॉन्स्टेंट प्रेशर पे है किस पे है कांस्टेंट प्रेशर पे है ठीक है क्या होगा कांस्टेंट प्रेशर पे है ओके तो हमें दो इक्वेशन मिल गई टीडीएस इक्वल टू टीडीएस इक्वल टू आपको पता हो गई और फर्स्ट आपका पता था आपका कहाँ से निकाला था आपने फर्स्ट निकाला था टी डी एस डी यू प्लस पी डीबी ठीक है कौन सा ये किस पे था आपका कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे था कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे था और दूसरा आपका था कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट प्रेशर पे था कॉन्स्टेंट प्रेशर पे था तो so, ये आपका दो टी डी एस क्वेश्चन जो डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देते थे ठीक है एग्जाम में ही पूछ लेते हैं ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए क्या कह रहा है क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए आपसे दे देगा टी डी एस डी एच प्लस वी टी पी तो आप प्लस माइनस का डिफरेंस कहीं पूछेगा कुछ भी पूछेगा तो आपको एजली क्या ना पता होना चाहिए कि क्या चीज़ें हैं तो अगर मैं बात करूँ दो इक्वेशन की हो गया तो आप इजली निकाल सकते हो ओके अब हम देखते हैं आगे बेटा जो बहुत ही है बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर मैं रिवर्सिबल साइकिल की बात कर रहा हूं अगर अगर मैं रिवर्सिबल साइकिल की बात कर रहा हूँ सपोज एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं डी एस इक्वल टू डी क्यू वाई डी टी ठीक है ये हो गया रिवर्सिबल साइकिल के लिए अगर बेटा मैं बोलूँ ठीक है अगर मैं बोलूँ हीट एडिशन यहाँ पे जीरो है क्या आपका हीट एडिशन की वैल्यू जीरो है नो मतलब कि नो हीट इंट्रेक्शन मतलब नो हीट इंटरेक्शन क्या हो गया नो हीट इंट्रैक्शन इसका मतलब हुआ डी क्यू इजल टू जीरो इसका मतलब प्रोसेस कौन सा हो जाएगा जी एडियाबेटिक एडिया बेटिक प्रोसेस कौन सा हो जाएगा अरे आप देखो ना ये वैल्यू क्या हो जाएगी नेट इंट्रोडक्शन क्या हो जाएगा जीरो इसका मतलब डी क्यू इक्वल टू जीरो जहां पर आप डी क्यू इक्कल टू जीरो होता है कौन सा प्रोसेस होता है एडिया बेटिक प्रोसेस होता है यानी अगर ये वैल्यू जीरो हो जाएगी तो डी एस की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो अगर वैल्यू जीरो हो गई बेटा डी एस की वैल्यू जीरो हो गई तो चेंज इन इंट्रॉपी क्या है जीरो तो इंट्रॉपी क्या हो जाएगी वहाँ पे सिर्फ इंट्रॉपी की बात करूंगा सिर्फ इंट्रॉपी की बात कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगी कांस्टेंट हो जाएगी ठीक है इंट्रॉपी की बात करूँगा सिर्फ कांस्टेंट हो जाएगी तो एस इक्वल टू कॉन्स्टेंट इसका मतलब ये प्रोसेस क्या हो जाएगा ठीक है इंट्रॉपी विल कॉन्स्टेंट क्या हो जाएगा इंट्रॉपी की बात कर रहा हूँ तो कॉन्स्टेंट हो जा रही है चेंज इंट्रॉपिक की बात कर रहा हूँ ठीक है ये देखो चेंज इन ट्रॉपी है यहाँ की वैल्यू अब जीरो आ रही है

आइसेंट्रॉपिक प्रोसेस होगा तो कैसे हैं आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा है कि रिवर्सिबल आइडियाबेटिक जो होता है रिवर्सिबल एडिया एडियाबेटिक जो होता है आपका एडिया एडियाबेटिक प्रोसेस ऑलवेज 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 बी आइसेंट्रॉपिक आइसेंट ट्रॉपिक ठीक है रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होगा आइसेंट ट्रॉपिक होगा पर इसका अपोजिट नहीं है क्या अपोजिट जरूरी नहीं है कि आपका क्या होगा एडियाबेटिक प्रोसेस होगा ठीक है जरूरी नहीं है कि क्या होगा आपका एडियाबेटिक तो हम कह सकते हैं अगर रिवर्सिबल अगर रिवर्सिबल रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस है ठीक है रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस है तो वो श्योर आइसेंट्रॉपिक प्रोसेस होगा आइसेंट्रॉपिक प्रोसेस ठीक है क्या होगा आइसेंट अगर मैं बोलूं तो ये हो जाएगा आइसेंट्रोपिक प्रोसेस ठीक है अगर मैं कहूं आइसेंट्रोपिक प्रोसेस क्या रिवर्सिबल एडियाबैटिक होगा तो ये नहीं होगा ठीक हो 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 है ये आलवेज होगा क्या होगा आलवेज बेटा आलवेज होगा हमेशा अगर की वैल्यू जान जीरो जोर से एडियाबेटिक रही है तो आइसेंट्रोपिक कांस्टेंट यानी कि इंट्रॉपिक कॉन्स्टेंट जाएगा यानी कि एस इक्वल टू कॉन्स्टेंट ठीक है अगर इन ट्रॉपिक कॉन्स्टेंट एस ऑन ट्रॉपिक प्रोसेस तो हम ये नहीं कर सकते कि ये रिवर्सिबल एडियाबेटिक होगा ठीक है रिवर्सिबल एडियाबेटिक होगा तो सपोज कैसे नहीं कर सकते हैं? देखो ठीक है जैसे मान लो कुछ अगर डीएस की वैल्यू मैं लेता हूं डीएस की वैल्यू लेता हूं डी क्यूवाई टी प्लस इंट्रॉपिक जनरेशन हमारे पास रखा हुआ है सपोज कुछ प्रोसेस है ये रखा हुआ है आइसेंट्रॉपिक प्रोसेस मान लिया जाए कि बेटा ये हीट कुछ रिजेक्ट हो जाएगी हीट निगेटिव हो गई कुछ रिजेक्ट हो गई और इंट्रॉपिक जनरेशन कुछ पॉजिटिव हो गई इंट्रॉपी जनरेशन कुछ पॉजिटिव हो गई तो उस केस में पॉजिटिव और निगेटिव मिल के जीरो हो गए पॉजिटिव और निगेटिव मिल के जीरो हो गए तो यहाँ पे हमारा क्या था डेल एस डी एस इक्वल टू जीरो हुआ तो इंट्रॉपी तो कॉन्स्टेंट हो गया इंट्रॉपी क्या हो गया कॉन्स्टेंट हो गया क्या इंट्रॉपी कॉन्स्टेंट हो गया तो क्या ये रिवर्सिबल प्रोसेस था क्या ये रिवर्सिबल प्रोसेस था नहीं था क्यों क्योंकि इसमें इंट्रॉपिक जनरेशन आ रही थी इंट्रॉपिक जनरेशन जहां आता है हमेशा इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है तो इन दोनों का समेशन जीरो हुआ इन दोनों का समेशन जीरो हुआ न कि क्यू जीरो हुआ न कि क्यू जीरो हुआ इन दोनों का समेशन जीरो हुआ न कि क्यू जीरो हुआ तो हम ये नहीं कर सकते हैं कि आइसेंट्रॉपिक प्रोसेस हमेशा क्या होगा रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस होगी पर रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस ऑलवेज आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होगी ओके तो आप आपको पता कहाँ से चलेगा आप इससे पता कर लोगे ठीक है मान लिया कोई रिवर्सिवल प्रोसेस दिया हो जिसमें इंट्रॉपी जनरेशन हो जाएगी इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है और कुछ हीट रिजेक्ट हो रही है इसकी भी निगेटिव उसके कारण क्या आपके जीरो इन जीरो आ रही है चेंजी इन ट्रॉपी जीरो आ रही है तो इस केस में हम ये कह सकते थे कि हाँ बेटा यहाँ पे इंट्रॉपी क्या हो जाए? जाएगी कॉन्स्टेंट हो जाएगी इन क्या हो जाएगी कॉन्स्टेंट हो जाएगी सो तो हम नहीं कर सकते हैं कि हमेशा आइसन प्रोसेस ही रिशिवल आइडियाबेटिक प्रोसेस होगा ठीक है आपसे दोनों क्वेश्चन देगा दोनों क्वेश्चन देगा दोनों से पूछेगा एस एस में क्वेश्चन बराबर पूछते हैं ये एस एस में क्वेश्चन बराबर पूछते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है इसकी वैल्यू क्या है तो इन चीज़ों को हमें पता होना चाहिए तो आपको इसको नोट करना पड़ेगा ठीक है ये प्रोसेस क्या कह रहा है अगर मैं बात बेटा आगे अब इंट्रापी चेंज की बात करता हूं इंट्रापी चेंज की बात करता हूं वेरियस प्रोसेस है अलग अलग प्रोसेस में इंट्रॉपिक कैसे चेंज हो रही है उसका रिलेशन क्या बन रहा है क्या क्या रिलेशन आ रहे हैं उस रिलेशन में हम लोग देखते हैं क्या क्या वेरिएशन आ रहे हैं चलो वन बाई वन देखते हैं वन बाई वन देखते हैं इंट्रॉपिक चेंज किस पे किस में आ रही है और इंट्रॉपिक चेंज आइडियल गैसेस पे कितना कैसे आ रहा है आइडियल गैसेस पे वो भी देखते हैं तो हम बात करते हैं अगर मैं बात करूं अगर मैं बात करता हूं सपोज अगर मैं बात करूं, ठीक है अगर ओपन सिस्टम की बात करता हूं मैं ओपन सिस्टम की बात करता हूं, ओपन सिस्टम की बात करता हूं, तो ओपन सिस्टम में मास फ्लो रेट का इफेक्ट आएगा मास फ्लो रेट का इफेक्ट आएगा उसके कारण कितनी इंट्रॉपी चेंज होगी इंट्रॉपी कितनी चेंज हो रही है इंट्रॉपी चेंज हो रही है ठीक है किसमें हो रही है ओपन सिस्टम की बात कर रहा हूँ ओपन सिस्टम की बात कर रहा हूँ कितनी ट्रॉफी चेंज हो रही हैं तो डेल एस ठीक है इक्वल टू डेल एस इक्वल टू डी क्यू बाई टी ओके मान लिया कुछ मास फ्लो रेट हो रही है, तो okay? है यहाँ पे तो वन डिवाइड बाई एम प्लस डेल जनरेशन डिवाइड बाई एम तो ये वैल्यू हमें क्या होती है मास फ्लो रेट की बात कर रहा हूँ ठीक है मास फ्लो रेट की बात कर रहा हूँ तो इस केस में इंट्राफिक कितना जनरेट हुई है ठीक है ये किसके लिए ओपन सिस्टम के लिए है किसके लिए वहाँ पे मास का रोल आ जाएगा किसका आ जाएगा मास का रोल आ जाएगा मास का रोल में हमें कितना इंट्राफिक जनरेशन हो रही है वो हमें पता चलेगा इससे अगर मैं बात करूँ कोई भी नेक्स्ट आपका बात करता हूँ मैं सपोज अगर मैं इंट्रॉपी के फाइनाइट बॉडी की बात करता हूँ किसकी बात करता हूँ फाइनाइट बॉडी की बात करता हूँ तो अगर मैं फाइनाइट बॉडी की बात करता हूँ इंट्रॉपी चेंज फॉर फाइनाइट बॉडी ठीक है अगर मैं बोलूँ इंट्रॉपी चेंज फॉर फाइनाइट बॉडी फाइनाइट बॉडी ठीक है तो सपोज़ आपका कोई बॉडी है कोई फाइनाइट बॉडी है सपोज ये बॉडी है ठीक है उस बॉडी का कोई मास होगा कुछ मास होगा उस अधिक कैलरिफिक वैल्यू होगी ठीक है और टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो इसके कारण कितनी हीट जनरेट हुई हमने पढ़ा है डी क्यू इक्वल टू डी क्यू इक्वल टू, टू एम सी वी डेल्टा टी ठीक है एम सी डेल्टा टी डिपेंड करता है कौन सा प्रोसेस होगा वो बाद के डिसाइड करते हैं तो पर हमें इतना पता है डी क्यू इजक्ल टू एम सी डी टी अरे इतना पता है कि नहीं पता है किसी भी बॉडी या फाइनल बॉडी का मास पता हो ठीक है कैलोरीफिक वैल्यू पता हो और टेम्परेचर चेंज पता हो तो dq क्यू इजल टू एम सी डेल्टा टी लिखते हैं एम सी डी टी लिखते हैं अगर मैं वैल्यू इसको मैं ऐसे लिखूँ तो आप टी डी एस से टी डी एस क्या होता है क्या होता है चेंज इन इन क्या होता है डी क्यू बाई टी ठीक है अब इसमें रखोगे तो एम सी डी टी डिवाइड बाई टी ठीक है अगर बॉडी का टेंपरेचर वन से लेके टू तक समेसन कर देता हूँ मैं वन से लेके टू तक समेसन करता हूँ तो मैं कह सकता हूँ कि आपका समेसन इंटीग्रेट करता हूँ वन से टू तक तो इंटीग्रेटिंग इसका भी करना पड़ेगा इसका इंटीग्रेशन भी करना पड़ेगा ना जी वन से लेकर टू तक वन से लेकर टू तक अगर मैं इंटीग्रेट कर दूंगा तो आप देखोगे यहाँ पर तो आ जाएगा एस टू माइनस एस वन एस टू माइनस एस वन इजक्वल टू एम सी एम सी डी टी वाई टी का क्या हो जाएगा एल एन टी क्या हो जाएगा एल एन ठीक है टी अब ये क्या हो जाएगा वन से टू तक तो आप क्या कर एल एन टी टू डिवाइडेड बाई टी वन इसको इंटीग्रेट करोगे तो यही आएगा इसको इंटीग्रेट करोगे तो यही आएगा तो चेंज इन इंट्रॉपी एक फाइनाइट बॉडी की बात कर रहा हूं किसकी बात कर रहा हूं फाइनाइट बॉडी की याद रखना है हमेशा कोई फाइनाइट बॉडी होगा जिसकी किसी वन से टू पॉइंट पे हम क्या सकते हैं इंट्रॉपी चेंज निकाल सकते हैं तो कितनी वैल्यू आ जाएगी इतनी वैल्यू आ जाएगी एम सी एल एन टी टू बाई टी वन ठीक है टी टू आपका फाइनल टेम्परेचर है टी वन आपका इनिशियल टेम्परेचर है एम एस का मास है सी क्या एकेलिक वैल्यू है एल वैल्यू एल एन वैलू लावरथमिक वैल्यू है और एस टू माइनस एस चेंज इन एंट्रोपी है फाइनल माइनस इनिशियल एंट्रोपी है ये कितना आया आप इसे निकाल सकते हो ओके okay? अगर मैं रिजर्व ये फाइनल बॉडी की बात कर रहा हूं अगर मैं रिजर्वायर की बात करूं सपोज एक रिजर्वायर ये है और एक रिजर्वायर ये, है ठीक है ये T1 पे है और ये T2 पे है जो किसी के थ्रू मीडियम के थ्रू हीट को फ्लो कर रही है ठीक है ये क्या हो गया रिजर्व वायर हो गया रिजर्व वायर और ये रिजर्व वायर भी हो गया ठीक है मतलब रिजर्वाइट मतलब इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी है इसमें क्या है इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी है अरे मैंने बता रखा ना इन रिजर्वायर मतलब क्या हो गया इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी ये हो गया अब देखो मान लिया जाए यहां से मान लिया जाए यहां से Q1 वन फ्लो हो रही है ठीक है कितनी हीट फ्लो हो रही है Q1 वन हीट फ्लो हो रही है अब क्यू वन हीट फ्लो रही है इसका मतलब यहाँ से एनर्जी क्यू वन मान लो क्यू मान लो कोई ठीक है अगर मान लो क्यू एनर्जी यहाँ से हीट फ्लो हो रही है इसका मतलब इस रिजर्वार वन से हीट रिजेक्ट हो रही है ना हीट रिजेक्ट हो रही है रिजेक्ट होती हीट तो हमेशा क्या होता है क्या होता है निगेटिव होता है पता है ना आपको निगेटिव होता है हीट रिजेक्ट होता है तो आपको निगेटिव होता है तो यहाँ पे एंट्रॉपी में बोलूं चेंज क्या हो जाएगा सिंक ये देखो सिंक है नहीं सोर्स है ये सोर्स है ठीक है और ये सिंक मान लो इधर फ्लो हो रही है आपकी मान लो इधर फ्लो हो रही है क्यू क्यू आपकी फ्लो हो रही कहां कहाँ पर इधर तो इस एनर्जी आपका क्या हो जाएगा यहाँ का एंट्रॉपी क्या हो जाएगा आपका माइनस क्यू बाई टी वन अरे आपका सोर्स का एंट्रोपी कितना हो जाएगा की वन बाई टी वन ओके ठीक है इसका मतलब और ये सिंक का सोर्स का हो गया ना जी सोर्स का हो गया और सिंक का क्या हो जाएगा डेल्टा या सिंक की बात करूंगा मैं सिंक की बात कर रहा हूं तो आपके मैं बोल कर रहा हूं डी क्यू बाई टी ये वैल्यू क्या हो जाएगी पॉजिटिव क्यों क्योंकि हीट इस पे क्या रही है एफजार हो रही है यहां पे क्यू हीट क्या हो रही है एफजार हो रही है यहां पर देखो क्यू हीट क्या रही है एफजार एफजार का मतलब पॉजिटिव तो अगर सोर्स की बात करता हूँ सोर्स की बात यह निगेटिव वैल्यू आ रही है ठीक है निगेटिव आ रही है ये निगेटिव आ रही है और ये पॉजिटिव आ रही है तो अगर मैं बात कर रहा हूँ सोर्स की सोर्स की तो मान लिया जाए डी क्यू वाई टी अगर मैं सिंक की बात कर रहा हूँ सिंक की बात कर रहा हूँ कितनी इन चेंज हो रही है प्लस का डी क्यू बाई टी तो आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता सोर्स और सिंक के बीच का जितने भी डिफरेंसेस ये क्वेश्चन कितनी इंट्रॉपिक चेंज हुई है जहाँ हीट आपको रिजेक्ट हो रही है वहाँ आप निगेटिव ले लोगे जहाँ हीट एक्ट एजॉर हो रही है आपको एक्सेप्ट हो रही है वहाँ पर क्या लोगे आप पॉजिटिव वैल्यू लोगे तो इन दोनों में क्या आप निकालोगे ठीक है रिलेशन निकालोगे क्या निकालोगे रिलेशन निकालोगे ओके इसके बाद है आपका आइडियल गैसेस इसके बाद क्या आपका आइडियल गैसेस क्या है इसका आइडियल गैसेस में कितनी एंट्रॉपी चेंज हो रही है वो निकाल लेते हैं वो हम अभी डिस्कस करेंगे इससे पहले एक डिस्कस हम कर लेते हैं ठीक है एंट्रॉपी चेंज ड्यूरिंग फेज चेंज ठीक है एंट्रॉपी चेंज एंट्रापी चेंज ड्यूरिंग फेज चेंज है जब फेज चेंज हो रही है तो उसमें एंट्रॉपी क्या जनरेट होगी मान लिया जाए ये आपका है क्या आई है ठीक है आई से कन्वर्ट हो रहा है आपका ये क्या हो गया आपका वाटर में कन्वर्ट हो रहा है किसमें हो रहा है कन्वर्ट हो रहा है इसका मतलब आइस से वाटर में कन्वर्ट हो रहा है इसका मतलब उसका फेज चेंज हो रहा है उसका मतलब उसका फेज चेंज हो रहा है अगर उसकी फेज चेंज हो चे रही है तो हीट कितना हो गई हमारे जो अगर कोई फेज चेंज होते हैं तो मास कितना हमारा मास था और उसके लैटेंट हीट से क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उस केस में उसकी कितनी हीट जनरेट हो गई क्यूजक्ल टू एम एल क्या हो जाएगी एम एल एम क्या आपका ठीक है मास है मास ऑफ सबस्टेंस ठीक है मास ऑफ सबस्टेंस और एल क्या है आपका लैटेंट हीट है क्या आपका लेटेंट हीट है लेटेंट हीट है अब इंट्रापिक चेंज की बात करता हूँ तो इंट्रापिक चेंज बेटा मैंने क्या लिखा था डेल एस इक्वल टू डेल एस इक्वल टू डेल क्यू बाई टी तो इस रेंज में कितना आपका चेंज हुआ है तो क्या निकालोगे एम एल बाई टी ठीक है क्या हो जाएगा एम एल बाई टी तो यही आ जाएगी आपकी इंट्रापिक चेंज ठीक है क्या हो जाएगी एंट्रॉपिक चेंज ड्यूरिंग फेज चेंज अगर फेज में क्या होता है तो एम इंटू उसका क्या जाएगा क्यू क्यों आपका एम हो जाएगा वहाँ पर रखोगे वैल्यू और उसके बाद क्या करोगे उसको डिवाइड करोगे टेम्परेचर से तो ये जाएगी चेंज हो जाएगी तो आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है कोई भी बॉडी आप मास दे देगा लेटेंट दे, दे देगा उसे ट्रॉपिक चेंज ठीक है फेज चेंज करा के पूछा जा सकता है कितना वैल्यू हो रहा है ओके अगर मैं बात करूं सपोज एक बात करता हूं मिक्सिंग अप टू फ्लूड मिक्सिंग ऑफ टू फ्लूड मिक्सिंग ऑफ टू फ्लूड तो इस मिक्सी में कितनी इंट्रॉपी चेंज होती है मान लिया जाए दो फ्लूड है ठीक है एक पार्टीशन लगा, लगा रखा है मैंने एक पार्टीशन लगा रखा है जिसमें कुछ मास का फ्लूड है एम वन सी वन टी वन सी इसकी कैलरपिक वैल्यू है टी के आपका टेम्परेचर है C इसकी कैलोरीफिक वैल्यू है T को जो टेम्परेचर है इस तरह से इसमें भी है आपका M2, C2 एंड T2, ठीक है आपसे क्वेश्चन फाइनल टेम्परेचर पूछा जा सकता है फाइनल टेम्परेचर कितना हो जाएगा तो फाइनल टेम्परेचर हम निकाल लेंगे ठीक है जितनी हीट इतनी एब्जार्व की ठीक है इतना हीट उन्होंने लिया और उतना हीट उन्होंने दिया ये दोनों इक्वल करोगे ठीक है हीट टेकन बाय दिस प्रोसेस एंड हीट रिजेक्टेड बाय दिस प्रोसेस तो इक्वल करोगे तो आप टी की वैल्यू आप पता जाएगा टी फाइनल टेम्परेचर है क्या है आपका फाइनल टेम्परेचर है तो मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ यहाँ पर जो आप निकालोगे तो टी फाइनल आपका आ जाएगा टी फाइनल इक्वल टू एम वन सी वन टी वन प्लस एम टू सी टू टी टू डिवाइडेड बाई एम वन सी वन प्लस एम टू सी टू ठीक है तो यहाँ से आपके क्या करोगे डायरेक्टली फार्मूला है डिपेंड करता है कि फार्मूला में क्या कर रहा है अगर फार्मूला में एम एम वन सी वन टी वन अगर एम वन एम वन बराबर एम टू हो सी वन बराबर सी टू हो तब क्या हो जाएगा अगर एम वन बराबर एम टू बराबर मास एम दिया हो ठीक है सी वन बराबर सी टू बराबर ठीक है सी दिया हो तो उस केस में क्या हो जाएगा उस केस में आप टी फाइनल निकालोगे तो टी फाइनल इक्वल टू जाएगा टी वन प्लस टी टू बाई टू यही हो जाएगा तो उस केस में ये हो जाएगा किस केस में इस केस में एम वन बराबर एम टू बराबर ठीक है तो दोनों टेम्परेचर का हाफ यानी मीन हो जाएगा दोनों टेम्परेचर का मीन डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाते हैं ये कंडीशन दे रखेगा और कंडीशन से आपको क्या निकालना पड़ेगा ये टेम्परेचर निकालना पड़ेगा इससे क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं ओके तो ऐसे आप क्या करोगे चीज़ों को निकालोगे अगर इसकी इंट्रॉपी निकालते हैं इसकी इंट्रॉपी निकालते हैं तो अगर मैं बोलूँ यह सिस्टम था और ये इंसुलेटेड था क्या है इंसुलेटेड है इंसुलेटेड मतलब बेटा है ना हीट आपको अंदर आएगी ना हीट बाहर जाएगी यानी कि चेंज इन हीट आपके क्या हो जाएगा जीरो है इंसुलेटेड है यहाँ पर ठीक है एडिया वेडी क्या ना आपकी हीट आएगी बाहर ना जाएगी अगर मैं इंट्रॉपी निकालता हूँ इंट्रॉपी क्या होता है अगर मैं इंट्रॉपी निकालता हूं अगर मैं इंट्रॉपी सिस्टम का निकालता हूं प्लस सराउंडिंग का निकालता हूं दो ही तो होगा अब देखो सिर्फ सिस्टम में चेंज हो रहा है सराउंडिंग में कोई हीट जा ही नहीं रही है तो जब कोई हीट नहीं जाएगी सराउंडिंग में क्योंकि यहाँ क्यू जीरो है ठीक है अगर क्यू जीरो है तो सराउंडिंग में हीट जाएगी नहीं सराउंडिंग में हीट जाएगी नहीं तो इसका सिस्टम होगा यही तो आपका क्या था इंट्रॉपी जनरेशन था आपसे क्वेश्चन इंट्राफी जनरेशन पूछ सकता है या आपका यूनिवर्स पूछ सकता है डेल्टा यस यूनिवर्स की वैल्यू पूछ सकता है तो आपको पता होना चाहिए सिस्टम प्लस सराउंडिंग सराउंडिंग में अगर कोई एडियाबेटिक प्रोसेस है हीट अपलो नहीं करेगी तो वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो आपके सिर्फ सिस्टम की बात करता हूँ तो एक फाइनेट बॉडी का मैंने लिखा था एम वन सी वन एम वन सी वन एल एन टी फाइनल बाई टी वन प्लस एम टू सी टू टी फाइनल बाई टी टू ठीक है यही तो हो गया आपका इंट्रॉपी जनरेशन, इंट्रॉपी जनरेशन, इंट्रॉपी जनरेशन, तो ये आपका क्या निकालना पड़ेगा चेंज इन ट्रापी आप यहाँ से निकालोगे तो यही चेंज इन इंट्रापी क्या हो जाएगा यही चेंज इन इंट्रॉपी, चेंज इन इंट्रॉपी क्या हो जाएगा आप यहाँ से निकालोगे ओके तो किसी बॉडी फाइनल बॉडी का क्या निकाल सकते आप इंट्रापी जनरेशन ओके नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे इसके आइडियल गैसेस के बारे में डिसाइड करेंगे क्या क्या एंट्राफी आइडियल गैसेस में चेंजेज हो रही हैं ठीक है थीके? तो आइडियल गैसेस में क्या क्या एंट्राफी चेंज हो रही है उसके बारे में अभी डिटेट करेंगे उस पर एक दो क्वेश्चन देखेंगे उसके बाद अब अवेलेबिलिटी चलेंगे अवेलेबिलिटी और ठीक है अन एवेलेबल एनर्जी पे चलेंगे उसके बाद डिस्कस करेंगे कुछ इफेक्टिव रिलेशंस थर्मोल रिलेशन ओके तो एक दो क्लास और दो क्लासेस इन थर्मोल में और लगेंगे कंप्लीट करने में दो या तीन क्लासेस ओके okay? तो आज यहीं तक रखते हैं इसके बाद अभी हम क्या करेंगे आइडियल गैस का एंट्रोपी चेंज निकालेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आते हैं डायरेक्टली आपको फार्मूला ही पूछे जाते हैं वहाँ पर तो उसको अभी क्लियर करेंगे नेक्स्ट क्लास में ओके थैंक यू आपको अगर लेक्चर पसंद आया बढ़िया सा कंटेंट है अगर आपका बढ़िया लग रहा हो तो आप लाइक करें सब्सक्राइब करें जरूर शेयर करें दोस्तों के साथ ओके थैंक यू सो मच थैंक यू